स्वामी की अग्नि परीक्षा, सबकी निगाहें टिकी फ्लोर टेस्ट पर। AIADMK के 134 में से 117 विधायकों का पलानी स्वामी को साथ। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आरजेडी नेता और बाहुबली शहाबुद्दीन का नया ठिकाना होगी तिहाड़ जेल। सीवान से कड़ी सुरक्षा के बीच दिल्ली के लिए हुआ रवाना। भारतीय नौसेना में आज शामिल होगी समुद्री नौका तारिणी। नौसेना प्रमुख सुनील लांबा भारतीय बेड़े में कराएंगे शामिल। और सूफी दरगाह पर हमले के बाद जागा पाकिस्तानी सेना का जमीर। कल हुए हमले के बाद 100 आतंकवादियों को किया ढेर। नमस्कार, मैं हूं पंकज शर्मा और आप देख रहे हैं लाइव इंडिया। बिहार में सीवान के कुख्यात शहाबुद्दीन को दिल्ली की तिहाड़ जेल के लिए रवाना कर दिया गया है। सीवान जेल से बेहद गुप्त तरीके से शहाबुद्दीन को निकाला गया। जेल के आसपास शहाबुद्दीन समर्थकों की भीड़ लगी हुई थी। प्रशासन ने सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए थे। सुबह करीब 3:45 बजे बेहद कड़ी सुरक्षा के बीच शहाबुद्दीन को चुपचाप जेल से निकाला गया। उसके बाद वहां से उसे पटना रवाना कर दिया गया। पटना से बिहार के डॉन शहाबुद्दीन को दिल्ली की तिहाड़ जेल के लिए रवाना किया गया है। आपको बता दें कि बाहुबली आरजेडी नेता शहाबुद्दीन को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की तिहाड़ जेल में शिफ्ट करने का ऑर्डर दिया था। उसे एक हफ्ते में सीवान जेल से तिहाड़ भेजने का निर्देश दिया गया था। उसके खिलाफ लंबित सभी मुकदमों में उसकी पेशी अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश 2 याचिकाओं पर दिया था। एक याचिका सीवान के दिवंगत पत्रकार राजदेव रंजन की पत्नी आशा की थी और दूसरी शहाबुद्दीन के चलते अपने 3 बेटों को गंवा चुके चंदा बाबू की। राजदेव हत्याकांड के आरोपियों को शरण देने के मामले में बिहार के मंत्री तेज प्रताप यादव के खिलाफ अर्जी की अप्रैल में सुनवाई होगी। आपको बता दें कि शहाबुद्दीन के खिलाफ इस वक्त 45 मामले लंबित हैं। इनमें से 9 मामले हत्या के हैं, कई मामले अपहरण हत्या के प्रयास जैसे हैं। इसके अलावा कुल 10 मामलों में उसे दोषी करार दिया जा चुका है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पलानीसामी के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। आज विधानसभा में उन्हें बहुमत साबित करना है। पलानीसामी को आज सुबह 11 बजे विधानसभा में बहुमत साबित करना है। लेकिन पलानीसामी के लिए इसमें सबसे बड़ी मुश्किल उन्हीं की पार्टी यानी AIADMK के पन्नीर सेल्वम है। तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री पन्नीर सेल्वम ने AIADMK विधायकों से पलानीसामी के विश्वास प्रस्ताव के खिलाफ वोटिंग करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि विधायकों के परिवार राज का समर्थन नहीं करना चाहिए और विश्वास प्रस्ताव का समर्थन दिवंगत जयललिता और उनको वोट देने वालों को, उनको छोड़ देने वालों को धोखा देने के बराबर होगा। पन्नीर सेल्वम समर्थक पड़िया राजन ने कहा है कि 135 विधायक हमारे लिए वोट करेंगे। आपको बता दें कि 29 साल बाद तमिलनाडु में ऐसा मौका आया है जब फ्लोर टेस्ट होगा। इससे पहले MG रामचंद्रन के निधन के बाद AIADMK में फूट हुई थी। उस दौरान फ्लोर टेस्ट में जयललिता हार गई थी। बाद में चुनाव में वो जीत कर लौटी। राज्य में विधानसभा में कुल 234 सीट हैं और पन्नीर सेल्वम के समर्थक पंड्या राजन का कहना है कि 135 विधायक उनके लिए वोट करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ पलानी स्वामी का कहना है कि उनके पास 117 विधायकों का सपोर्ट है। अब आज जो ये फ्लोर टेस्ट है, ये असली अग्नि परीक्षा है और यही शशिकला और पन्नीर सेल्वम के बीच भी होने वाला था। यही अब पलानी स्वामी और पन्नीर सेल्वम के बीच आज होने जा रहा है। तो तमिलनाडु में 29 साल बाद आज फ्लोर टेस्ट होने जा रहा है। बहुमत की जंग आज देखने को मिलेगी। लगभग 11 बजे के करीब होगा ये। और MG रामचंद्रन के निधन के बाद पहली बार ये तब हुआ था, 29 साल पहले हुआ था। और अब 29 साल बाद होगा जब जयललिता का निधन हो गया है और पार्टी में ठीक वैसी ही स्थिति हो गई है जैसी MG रामचंद्रन के निधन के बाद हुई थी।
और सुधाकर द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। सुधाकर, पलानी सामी कह रहे हैं कि उनके पास ज्यादा विधायक हैं, पन्नीर सेल्वम के समर्थक कह रहे हैं कि उनके पास है। बहरहाल आज अग्नि परीक्षा का दिन। पंकज, इसमें सबसे बड़ा जो खेल होने जा रहा है फ्लोर टेस्ट पे, वो जो साइलेंट है, जो विधायक कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो किस तरफ है, वही निर्णायक भूमिका उन्हीं की होगी। अब इस समय पन्नीर सेल्वम का जो है, उनका ये मानना है कि अगर सरकार जो है वो नहीं बना सकते हैं तो सरकार सके, कोशिश उनकी यही होगी, रणनीति उनकी यही होगी। चूंकि 234 विधायकों की विधानसभा है वो, जिसमें 118 जिसके पास होंगे वही बहुमत साबित करेगा। अब 125 से 26 के विधायकों का ये मान रहे हैं कि इनकी तरफ झुकाव है, जो लोग उनके लिए वोट कर सकते हैं। आपको ध्यान होगा कि जब वहां पर क्राइसिस हुई थी तो उस समय प्रधानमंत्री से मिलने के लिए भी आए थे पन्नीर सेल्वम, और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने उनका स्वागत किया था, उनसे बातचीत की थी, उससे अंदाजा लगाया जा रहा था कि बीजेपी इंटरेस्ट ले रही है तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में, क्योंकि उसका प्रेजेंस वहां पे ना के बराबर है। अगर बीजेपी या केंद्र सरकार कोई इस तरह के गेम का इंडिकेशन दे चुकी है राज्यपाल को, तो निश्चित रूप से आज का फ्लोर टेस्ट जो है वो ऐतिहासिक होगा। ऐसा संभव है कि शशिकला का जो गुट है, जिसको अभी उन्होंने विधायक दल का नेता चुना है, वो मुख्यमंत्री बन जाए, लेकिन उसकी भी संभावना उतनी ही है कि पन्नीर सेल्वम के साथ जो विधायक हैं वो इनके खिलाफ भीतरघात करें और फ्लोर टेस्ट पे सरकार बहुमत अपना साबित न कर सके। इसमें बहुत बड़ा रोल जो है वो विद्यासागर का होगा, जो वहां के राज्यपाल हैं, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि वाकई जितने विधायकों का दावा कर रहे हैं। अच्छा सुधाकर, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ जो है, कुछ कुछ वैसा हो गया, क्या कुछ वैसा होगा ये देखना होगा। 29 साल बाद ऐसा हो रहा है, एमजी रामचंद्रन का जब निधन हुआ था तब भी ऐसा ही हुआ था, फूट पड़ी थी, जयललिता तब हार गई थी, आज क्या होने वाला है, कुछ वैसा ही। आप कुछ नहीं कहा जा सकता। आपको ध्यान होगा बिहार में जब चारा घोटाले में लालू को जेल हुई थी, उस समय जब राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया गया था तो राबड़ी देवी को एबीसी नहीं आता था राजनीति का, जितने विधायक और जितने एमपी थे वो सब जेल में जाकर के मिले थे, और जब ये तय कर लिया था लालू ने कि सरकार के लिए, हमारी सरकार के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, तब जाकर के वहां पे सरकार को आगे बढ़ाया गया था, प्रधान उनको राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया गया था। तो जेल में रह करके भी सत्ता चलाई जाती है, इसके एग्जाम्पल पहले भी देखने को मिले हैं। लेकिन शशिकला की हैसियत क्या एआईडीएमके में इस तरह की बची है, जब उनको जेल हो गई है सुप्रीम कोर्ट से, अब वो बंगलौर की जेल में है, तो क्या यह संभव होगा? लेकिन निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक दिन होगा ये तमिलनाडु की राजनीति के लिए, ऐतिहासिक दिन तमिलनाडु की राजनीति के लिए। और आप कह रहे हैं कि केंद्र भी इंटरेस्ट लेता दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं, इस पर कांग्रेस का क्या कहना है वो एक बार सुना देते हैं। We are going to meet and have a special assembly session for a floor test, so that we had a plan of meeting again, have a meeting with our leaders and also MLAs. Then we decide, and also we are expecting the decision of the High Command. तमिलनाडु के में जो है कांग्रेस के विधायक को आप सुन रहे थे। सुधाकर, कांग्रेस भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है क्या, किसको सपोर्ट दे किसको ना दे? नहीं, अभी तो इस तरह से चूंकि सेंट्रल जो है वहां पे ऑब्जर्वर जो है वो कांग्रेस के, वो इस पर नजर गड़ाए हुए हैं, लेकिन कोई बहुत अहम भूमिका नहीं होगी। अहम भूमिका जो होनी है वो राज्यपाल की अब होगी, और उससे सबसे बड़ा जो निर्णायक होगा वो होगा कि पन्नीर सेल्वम के साथ कितने लोग हैं जो साइलेंट हैं, जो ये शो कर रहे हैं, जिन लोगों का लिस्ट में नाम है शशिकला के फॉलोअर्स के की तरफ, उनमें से कितने ऐसे लोग होंगे कि जो कि विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के दौरान उनके खिलाफ जा सकते हैं। क्योंकि पन्नीर सेल्वम एक सीधे साधे और साफ सुथरे राजनीतिज्ञ के तौर पर वहां पे माने जाते हैं, वो जयललिता के सबसे खासों में खास थे, इसीलिए वो तीन बार उन्होंने अपना, जब भी उनको दिक्कत हुई तब उन्होंने पन्नीर सेल्वम को ही मुख्यमंत्री पद का की जिम्मेदारी दी। अगर इतनी खास शशिकला होती तो शशिकला को उस समय भी जिम्मेदारी दी जा सकती है, ये इंडिकेशन वहां के विधायकों और सांसदों के बीच में है। तो खेल जो पलटने की जरा सी भी जो गुंजाइश बच रही है वो यही है कि फ्लोर टेस्ट के दौरान जिन विधायकों का दावा उनके पनानी स्वामी कर रहे हैं, इनकी तरफ अगर वो न जा करके साइलेंट अगर रहते हैं या बाहर निकल जाते हैं या वोट उनके खिलाफ देते हैं, तो सरकार निश्चित रूप से दावा पेश करेगी। बिल्कुल, देखना होगा कि जिस पर जयललिता ट्रस्ट करती थी कहीं उस पर सारे विधायक भी ट्रस्ट कर रहे हैं या नहीं, तो पलानी सामी के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। अब बने रही हमारे साथ पत्थरबाजों पर, सेना प्रमुख के बयान को 2 दिन भी नहीं बीते और घाटी में पत्थरबाजी एक बार फिर सड़क पर आ गई। जुमे के नमाज के बाद पत्थरबाजों ने जमकर पत्थरबाजी की, जवाब के तौर पर सेना ने संयम का परिचय दिया, पत्थर के जवाब में गुलेल चलाई गई, साथ ही उपद्रवियों को खदेड़ने के लिए सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले दागे और लाठियां बरसाई।
दरअसल पत्थरबाजी की यही हरकतें हद से ज्यादा होने लगी हैं, इसलिए सेना प्रमुख बिपिन रावत ने पत्थरबाजी को खुले शब्दों में चेतावनी दी और कहा कि कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सेना अध्यक्ष के बयान पर केंद्र सरकार ने सहमति जताई है, लेकिन कांग्रेस और अलगाववादी दलों के नेता सेना प्रमुख के बयान पर बिफरे हुए हैं। नेता कांग्रेस गुलाम नबी आजाद ने बिपिन रावत के बयान को गलत करार दिया और नाराजगी जाहिर की। पिछले एक महीने के दौरान सेना ने ऐसे करीब 12 से 15 ऑपरेशन में 13 से 15 खूंखार आतंकियों को मार गिराया है। आतंकियों की इस बदली रणनीति के बीच सेना पूरी मुस्तैदी के साथ दहशतगर्दों की नापाक साजिश को नाकाम करने में जुट गई है। आने वाले दिनों में सेना के ऑपरेशन में बाधा डालने वालों के साथ सख्ती से पेश आया जाएगा। सुधाकर द्विवेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। सुधाकर, सेना ने इस बार संयम का परिचय दिया, गुलेल से जो है सामना किया पत्थरों का, लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस और ये अलगाववादी पत्थरबाजों का साथ क्यों दे रहे हैं? इसका साफ सुथरी बात यह है कि एक तो कश्मीर में बहुत दिनों से सत्ता से बाहर है, वो मुस्लिम जो चूंकि मुस्लिम बाहुल्य स्टेट है, तो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को लगता है कि ये अच्छा मौका है कि जब हम जो मुसलमान वोट बैंक है जो उनका जो सबसे ज्यादा है कि उसको अपनी तरफ पोलराइज किया जा सके। 5 राज्यों के चुनाव चले थे, 2 के संपन्न हो चुके हैं और अब जो है उत्तर प्रदेश सबसे आगे सबसे सामने आपके हैं, जिससे कि मैसेज दिया जा सके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल पंकज ये है कि आर्मी जो ऑपरेशन करती है वो किसी स्टेट गवर्नमेंट के कहने पर या अपने कहने पर नहीं करती, वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा दिया गया एक टास्क होता है जो कि किसी भी सूरत में पूरा करना ही है। अगर किसी टेररिस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है और उसका उसको कॉर्डन ऑफ करके उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, तो इस तरह की हरकतों को वाकई आतंकी गतिविधियों के तौर पर देखा जाना चाहिए, जिसको बिपिन रावत ने अपने बयान में कहा था। पर्रिकर ने भी इसका सपोर्ट किया है। अब यह सवाल यह हो रहा है कि चूंकि चुनाव का दौर चल रहा है तो बीजेपी और सेना एक तरफ है और दूसरी तरफ कांग्रेस एनसीपी जैसे कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी पार्टियां जो इस पर सवाल उठा रही हैं। सेना को राजनीति में जोड़ ही क्यों रहे हैं ये कांग्रेसी नेताओं को, नेशनल कॉन्फ्रेंस को, अलगाववादियों को, इस मुद्दे पर बोलना ही क्यों है? और अगर बोलना है तो पत्थरबाजों का साथ क्यों दे रहे हैं? सेना अपना काम कर रही है, देश को आतंक के खिलाफ तैयार करना है, आतंकियों से निजात दिलानी है, सेना का काम है, सेना को करने दीजिए। पंकज, ये पहला मौका नहीं, इससे पहले आपको ये जनरल रावत का जो अपॉइंटमेंट हुआ था तब कांग्रेस ने उस पर सवाल उठाए। इसके पहले जब वहां पे कश्मीर में जो है जब भी कोई एक्टिविटी इस तरह की सेना करती है जब टेररिस्टों के खिलाफ, उस पर सवाल खड़े कर देते हैं। दरअसल ये चाहते हैं कि हम कश्मीरियों के साथ खड़े होते दिखना चाहते हैं। असलियत में तो यह है कि पिछले 20 सालों से 1990 के बाद से जब से टेररिज्म वहां शुरू हुआ है उसमें सबसे अहम अगर भूमिका निभाई है जो गड़बड़ होने की, उसमें कांग्रेस नंबर 1 पे रही है। सवाल इस बात का है कि एक डेमोक्रेटिक देश है जिसमें कि सेना पे या किसी पे भी इस तरह के सवाल विरोधी दल उठा सकते हैं, लेकिन उसकी सीमा तय है, उस सीमा को लांघा जा रहा है और इससे वहां पे जो पत्थरबाज हैं, जो लोग टेररिस्टों का साथ देते हैं, उनको पनाह देते हैं, उनका मनोबल बढ़ता है और उससे भी ज्यादा मनोबल जो है पाकिस्तान का बढ़ता है जहां से असलहे, पैसे और ट्रेंड करके टेररिस्ट भेजे जा रहे हैं। इजराइल आपके सामने दुनिया का अकेला बहुत छोटा सा देश है, वो दुनिया के किसी भी देश का कोई दबाव इसलिए नहीं मानता है कि जब उसको ऑपरेशन करना होता तो वो करता है, लेकिन उस तरह का चूंकि माहौल भारत में नहीं, हम एक डेमोक्रेटिक व्यवस्था में जी रहे हैं जहां पे हमारी एक सीमाएं हैं, हम कहीं पे भी इस तरह की बर्बरतापूर्ण कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन सेना जो अपना टास्क पूरा करने के लिए कार्रवाई कर रही है, अगर उसमें लोकल या कोई भी आदमी इन्वॉल्व होता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस बात पर न सिर्फ पॉलिटिकल, न सिर्फ सरकार सेना बल्कि देश की आवाम जो है वो भी इसके साथ कि अगर आप इस कार्रवाई में बाधा डालेंगे तो आपको उसी तरह बिल्कुल देश की आवाम भी इसी डिसीजन के साथ है। पायलट गन के खिलाफ यही लोग थे जो बोल रहे थे और पावा शेल्स उसके खिलाफ उसकी जगह पे लाए भी गए। बहरहाल पूरा देश सेना के साथ खड़ा है, सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों के अलावा। अब बने रही हमारे साथ पाकिस्तान के सिंध प्रांत की लाल शाहबाज कलंदर दरगाह पर गुरुवार को आत्मघाती विस्फोट के बाद शुक्रवार को बड़ी संख्या में जायरीन इस सूफी दरगाह पर पहुंचे और रोजमर्रा की रस्मों को अदा किया। लोगों ने आतंकवादियों को कड़ा संदेश दिया। वहीं दरगाह पर आईएसआईएस के आत्मघाती हमलावर किए गए विस्फोट के एक दिन बाद पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की कार्रवाई में शुक्रवार को 100 आतंकवादी मारे गए। सेना की मीडिया इकाई आईएसपीआर ने कहा कि बीती रात बड़ी संख्या में संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। बयान में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि आतंकवादी कहां मारे गए, कहां से गिरफ्तार किए गए। आपको बता दें कि दरगाह पर हुए आत्मघाती हमले में 88 लोगों की मौत हो गई थी और करीब 250 लोग घायल हो गए थे। सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने लोगों को विश्वास दिलाया
कि दुश्मनी के एजेंडा को सफल नहीं होने दिया जाएगा, चाहे इसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े। अधिकारियों ने बताया कि आगामी दिनों में कार्रवाई और तेज कर दी जाएगी, क्योंकि सरकार ने आतंकवाद का सफाया करने का संकल्प ले लिया है। सुधाकर द्विवेदी जुड़े हुए हैं। सुधाकर, पाकिस्तान कह रहा है आतंकवाद का सफाया करने का संकल्प ले लिया, जब आपको अपनी ही जो बिटर पिल आप जो तैयार कर रहे थे, आपने जो एक नासूर तैयार किया था, जब उसका टेस्ट चखने को मिला तो आपको दर्द हुआ। एक डेढ़ साल पहले जब वहां के पाकिस्तान के एक स्कूल में टेररिस्टों ने हमला किया था और बच्चे मारे गए थे, तब इस तरह कार्रवाई पाकिस्तान ने क्यों नहीं की थी? दरअसल सवाल यह है पंकज कि इस समय जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने साफ साफ यह कह दिया है कि टेररिस्ट नेशन के तौर पर पाकिस्तान पर भी हम बातचीत कर रहे हैं और उसको सूची में डाला जा सकता है, स्पेशली कि वहां के नागरिकों को अमेरिका में प्रवेश करने पर। दूसरा सवाल यह था कि F-16 का जो फिफ्थ वर्जन है, जो पाकिस्तान खरीदना चाह रहा था लेकिन वो इतना कंगाल हो चुका है कि उसके पास पैसे नहीं है, अब अमेरिका को खुश करने के लिए वो F-16 की भी खरीदारी में थोड़ी सी रुचि दिखा रहा है कि F-16 हम आपसे खरीदेंगे चाइना से लड़ाकू विमान की जगह पे। तो ये जो अमेरिका का प्रेशर बना है पाकिस्तान पे कि उसके नागरिकों को अमेरिका के लिए रोका जाएगा, उस सबको दिखाने के लिए कि हम टेररिज्म के खिलाफ काम कर रहे हैं। इसी वजह से मस्जिद में हुए धमाके के बाद जो कल 100 टेररिस्टों को मार गिराया गया है, वो ऑपरेशन जो है सिर्फ इस बात को दिखाने के लिए है कि हम चीन के पाले में उतना नहीं है जितना कि हम पाल रहे हैं, आप दाऊद को पाल रहे हैं। निश्चित रूप से टर्की में, सीरिया में, अफगानिस्तान में जितने टेररिस्ट एक्टिविटीज हो रही हैं, जितने टेररिस्ट ग्रुप हैं, अब उन पे इतना ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है कि वो अफगानिस्तान के रास्ते धीरे धीरे पाकिस्तान में इंटर कर रहे हैं। और पाकिस्तान एक सबसे ज्यादा टेररिस्टों के लिए फर्टाइल एरिया माना जाता है, जहां पर आसानी से छुप सकते हैं, असलहे मिल जाते हैं और टारगेट साफ। जहां की सरकार खुद कहती है, जिनको टेररिज्म में भी दो चीजें दिखती है, गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म, निश्चित रूप से यही सबसे बड़ी, पाकिस्तान अब अपने ही जाल में फंसता जा रहा है, क्योंकि वहां पे इकोनॉमी के नाम पर कुछ नहीं बचा है, फैक्ट्रियां नहीं है, डेवलपमेंट के काम नहीं हो रहे हैं, और जो कठमुल्ले हैं, जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, वो ज्यादा से ज्यादा तादाद में पैदा हो रहे हैं और सरकार पे हावी हो रहे हैं, जिसका नतीजा आपने मस्जिद में उस तरह के ब्लास्ट के तौर पर देखा जिसमें 88 लोग करीब मारे गए हैं। ये जो दिखावा है, जो 100 लोगों को मारने का दिखावा कर रहा है पाकिस्तान, उसको ये कौन साबित करेगा कि वाकई ये 100 टेररिस्ट थे या कि आम जनता के लोगों को अमेरिका को दिखाने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए इस तरह की एक्टिविटीज की गई हैं। जनरल बाजवा ऑपरेशन के मास्टर माने जाते रहे हैं, वो प्रो रहे हैं हमेशा कि टेररिस्टों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। तो एक वजह यह भी है कि जिस तरह की हत्याएं की जा रही हैं, मास किलिंग हो रही हैं, ब्लास्ट हो रहे हैं, अगर उसको रोकना है तो इस तरह की कार्रवाई करनी होगी। बिल्कुल। लेकिन बलूचिस्तान इनके सामने है, वहां पे भी बिना किसी टेररिस्ट एक्टिविटीज के वहां पे बलूचिस्तान पे इस तरह से नरसंहार पाकिस्तान करता आया है। बिल्कुल, नरसंहार पाकिस्तान वहां पर करता आया है, पाकिस्तान को सोचना चाहिए। धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए, और सोचना पाकिस्तान के आवाम को भी चाहिए थी कि आखिर सरकार किसकी तरफ है और ये जो मौतें हुई 88, इनका जिम्मेदार कौन है। वक्त एक ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं, आप देखते रहिए लाइव इंडिया। देश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में, उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर।
खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। यूपी चुनाव में जीत के लिए हर दल रैली कर रहा है। आज यूपी के बांदा में अखिलेश यादव की रैली है, तो वहीं गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी आज बांदा में रैली को संबोधित करेंगे। बांदा जिले के कमासिन इलाके में दोपहर लगभग 12:30 बजे अखिलेश यादव की रैली, तो दोपहर 3:45 पर बांदा के तिंदवारी इलाके में राजनाथ सिंह एक रैली को संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश के चुनावी अभियान के तहत बीएसपी सुप्रीमो मायावती आज झांसी और बांदा में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगी। इस कार्यक्रम के तहत मायावती की पहली जनसभा झांसी जिले के प्रदर्शनी मैदान में होगी, दूसरी बांदा जिले के हिंदू इंटर कॉलेज में है। लखनऊ की मीना कश्यप में मतदान करने को लेकर जो ललक दिखी और उसने अपने अधिकार को समझते हुए जो हिम्मत दिखाई, ऐसी हिम्मत आज भी समाज में कम ही लड़कियां दिखा पाती हैं। मनीषा की शादी 18 फरवरी यानी के आज होनी है और चुनाव के दिन यानी 19 फरवरी को वोटिंग के दिन उसकी विदाई होनी थी, लेकिन मतदान करने पर अड़ी मनीषा ने अपने मताधिकार को समझते हुए अपने ससुराल वालों से मतदान के बाद की विदाई करवाने की बात कही, जिसको उसके ससुराल वालों ने माना और विदाई 21 फरवरी को करवाने पर राजी हो गए। लखनऊ के इंदिरा नगर इलाके में रहने वाली और आवास विकास में ड्राइवर की मामूली नौकरी करने वाले जगदीश चंद्र की बेटी की बारात गुजरात से 18 फरवरी को आनी थी और विदाई होनी थी उसके अगले दिन यानी के 19 फरवरी की सुबह, लेकिन एक दिन चुनावों में वोट देने को जागरूक करने निर्वाचन आयोग के कर्मचारी क्या पहुंचे, उनकी बातें सुनकर मनीषा ने अपनी मंशा बदल डाली। मनीषा ने फैसला लिया कि क्योंकि उसकी विदाई के दिन ही इलाके में वोट डालेंगे तो वो 19 को अपनी ससुराल नहीं जाएंगी। शुरू में ही मनीषा के माता पिता उसकी ये बात मानने को जरा भी तैयार नहीं थे, लेकिन ससुराल वाले इस बात को समझ गए। गहरे समंदर में उतर सकने वाली भारतीय नेवी की दूसरी सेल बोट यानी नौकायान पोत तारिणी अब बनकर तैयार है। इसे आज नौसेना के बेड़े में शामिल किया जाएगा। इस मौके पर नेवी के ट्रेनिंग सेंटर INS मंडोवी के वोट पूल में खास कार्यक्रम का आयोजन होगा। तो अब आपको बताएंगे आखिर ये जो तारिणी है वो उसमें खास क्या है। महादोई के बाद तारिणी नौसेना का दूसरा नौकायान पोत है। आने वाले दिनों में नेवी की महिला टीम दुनिया का चक्कर लगाने के अभियान पर इसी वोट में निकलने वाली है। गोवा के एक्वेरियस शिपयार्ड लिमिटेड में तैयार की गई तारिणी हॉलैंड के टोंगा 56 नाम के डिजाइन पर आधारित है। इसे बनाने में फाइबर ग्लास, एल्यूमिनियम और स्टील जैसी धातुएं इस्तेमाल की गई हैं। तारिणी में कुछ 6 पाल लगे हैं जो इसे मुश्किल से मुश्किल हालात में भी सफर तय करने की ताकत देते हैं। अत्याधुनिक सैटेलाइट सिस्टम के जरिए तारिणी के क्रू से दुनिया के किसी भी हिस्से में संपर्क किया जा सकता है। तारिणी के सारे ट्रायल इस साल 30 जनवरी को पूरे हुए थे। इसकी तकनीकी जो खामियां हैं उसे हटाया गया और तकनीक विकसित करने में महादोई को चलाने का अनुभव खासा काम आया है। पिछले साल मार्च में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने तारिणी के निर्माण का आगाज कर दिया था। ये नौकायान पोत तय सीमा से पहले बनकर तैयार हुआ है और इसे प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया कार्यक्रम के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। और इसका नाम आपको बता दें कि ओडिशा के मशहूर तारा तारिणी मंदिर के नाम पर लिखा रखा गया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए आप लगातार देखते रहिए लाइव इंडिया। बिजनेस का लेवल स्पीडोमीटर की तरह बढ़ रहा है,
ड्राइविंग कंफर्ट का लेवल हवाई जहाज के जैसा बढ़ रहा है। ट्रक से कनेक्शन का लेवल मोबाइल से भी तेज बढ़ रहा है। क्षमता का लेवल अपनी पार्टनरशिप जैसा बढ़ रहा है। ये लेवल बढ़ेगा तभी तो कमाई का लेवल बढ़ेगा। ट्रकिंग का अगला लेवल पेश है टाटा सिग्ना, परफॉर्मेंस हर कदम। उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। कश्मीर घाटी में फिर पत्थरबाजी। सेना अध्यक्ष के देखते ही गोली मारने के आदेश पर रक्षा मंत्री ने लगाई मुहर। पत्थरबाजी पर सेना प्रमुख के बयान पर विपक्ष बिगड़ा। यूपी के दंगल में जारी है घमासान। बांदा में आज सीएम अखिलेश करेंगे तूफानी चुनावी दौरे। गृहमंत्री राजनाथ सिंह भी गरजेंगे बांदा में, तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी बांदा और झांसी में करेंगी ताबड़तोड़ रैलियां।